खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। और बिहार में 28 जनवरी को जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी और अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। लेकिन इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। तेजस्वी यादव का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है। बहुमत के लिए 122 के आंकड़े से 6 अधिक नीतीश कुमार के पास है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव आखिर किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसे खेला होगा। सवाल यह भी है कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है, बिहार में आखिर टूट की चर्चा क्यों हो रही है। और ऐसी बात आखिर क्यों हो रही है, ये अगर हम आपको समझाएं, क्योंकि अगर दोनों ही पक्षों की स्थिति अगर अभी फिलहाल बिहार में देखी जाए, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्थिति यह है कि जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं और तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए, जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, वही दूसरी स्थिति है कि बीजेपी के पास जो है वो 78 एमएलए हैं और अगर तोड़ना होगा तो उसके 3/3 जो है वो तोड़ना है। और इसके साथ ही चौथी स्थिति है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती रही है। बीजेपी जहां हार भी जाती है वहां भी वो जीत जाती है, तो ऐसे में बीजेपी के अंदर टूट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उसके साथ ही देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, विधायकों की संख्या एक एक पार्टी के पास और अगर उन्हें तोड़ना हो तो कितनी संख्या होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति यह भी है कि किसी भी पार्टी में अगर टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति यह है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। तो पांचवी स्थिति यह है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है और इसलिए हैदराबाद में सभी विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आप ताकत देखें तो उसमें भी एनडीए की स्थिति जो है वो मजबूत नजर आ रही है। और अब देखिए, एनडीए की ताकत आपको बताते हैं, तो बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं और इसके साथ ही अगर हम आगे जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू के पास अभी 45 एमएलए हैं, साथ ही साथ इस एनडीए गठबंधन में हम भी है, तो हम की अगर हम बात करें तो 4 हम के जो विधायक हैं यहां पर हैं और ऐसे में 128 टोटल होता है। एक निर्दलीय का भी सपोर्ट मिला हुआ है एनडीए को। टोटल आंकड़ा जो है 128 का है एनडीए के पास और बहुमत का आंकड़ा चाहिए 122, यानी उससे 6 ज्यादा हैं इनके पास। और अगर हम महागठबंधन की ताकत की बात कर लें, क्योंकि कहा यह जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि खेला होगा, तो आरजेडी के पास अभी 79 एमएलए हैं, सबसे ज्यादा पार्टियों में अगर देखें तो उनके पास है। कांग्रेस के पास 19 एमएलए हैं और इसके साथ ही इनके साथ लेफ्ट पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं, तो लेफ्ट जो है उनके पास 16 विधायक अभी हैं। तो ऐसे में इनका जो आंकड़ा है वो 114 का होता है और 122 जादुई आंकड़ा है जहां तक पहुंचना है। तो ऐसे में अगर देखें तो महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि खेला होगा। तो ऐसे में खेला कैसे होगा, सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े अगर हम देखें तो वो अलग है। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। कांग्रेस विधायक टूट को लेकर सचेत हो गए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक टूट को लेकर सचेत हो गए हैं। 2 और विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं, सिद्धार्थ और अबिदुर रहमान भी अब हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आप बता दें 2 विधायक हैदराबाद से बाहर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शकील अहमद और विजय शंकर दुबे हैदराबाद से बाहर गए, यानी जो टोटल 19 विधायक कांग्रेस के हैं उनमें से 16 विधायक हैदराबाद में थे और अब ये खबर मिल रही है कि 2 और विधायक भी हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी कांग्रेस जो है वो टूट को लेकर काफी सचेत हो चुकी है, इसलिए 2 और विधायकों को हैदराबाद भेज दिया जा चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।